जाते हैं यूनिट ऑफिस और वहाँ पे झंडा फहराएंगे और उसके बाद आके फ्रेंड्स ऊपर वाले कबूतर खोलेंगे। स्वाल आलू खा रही हैं जो बरेली में सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, बिहारीपुर में, और वही स्वाल आलू खा रही हैं। अंकल जी के पास आए हैं और बहुत टेस्टी होते हैं ये। अच्छे कभी नहीं खाए, पहली बार खा रहे हो ना? इंडिया कब आज़ाद हुआ था? अच्छा कबूतरों को ये पट्टे खोले हैं फ्रेंड्स अभी, सबसे पहले इनको बढ़िया देना। चीना भाई सही है, इस समय तैयार है ये बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है आपको इनका शौक उड़ गया फ्रेंड्स। आज हमने सेकंड डेली ब्लॉग दूसरा है, हम लोगों ने छुट्टी वाले दिन ब्लॉग बनाया करेंगे। और सेकंड इंडिपेंडेंस डे एक बार फिर। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देर से सो के उठे हैं क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे। और हम लोग अभी कबूतर नहीं खोलेंगे, हम और रूही जाएंगे पहले झंडा फहराने और पापा के यूनिट ऑफिस वहाँ चलते हैं, और उसके बाद लौट के आके फ्रेंड्स आप लोगों को शौक दिखाएंगे कबूतरों का। फिलहाल अभी के समय पे मैं सिर्फ जो नीचे वाले कबूतर हैं इनको खोल दे रहा हूँ और इनको दाना पानी कर देता हूँ साफ सफाई करके, और उसके बाद लौट के आके छत का शौक कराऊंगा। आपने तो कहा था कि इंडिपेंडेंस है वहाँ पे, झंडा फहराने के बाद कुछ चीजें लेने जाएंगे। अरे वो तो हम भूल गए, क्या चीज लानी है? तभी चलोगे तभी तो दोगे। वो तो बताओ ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों नहाएंगे। नहाए इधर आओ परी, परी आओ, परी क्या हुआ? एक को बुलाया दोनों आ गए। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये हमारे ब्रीडिंग सेटअप की गंदगी, सुबह सुबह गंदगी से पाला पड़ता है सबसे पहले, और बाहर भी अच्छी खासी गंदगी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट बारिश हुई है तो गंदगी तो होनी थी। सबसे पहले ये सफाई करता हूँ, इन लोगों को दाना देके उसके बाद हम जाते हैं यूनिट ऑफिस और वहाँ पे झंडा फहराएंगे और उसके बाद आके फ्रेंड्स ऊपर वाले कबूतर खोलेंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये इतना बेस्ट ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यूनिट ऑफिस और थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे झंडा फहराएंगे। ठीक है इधर दिखा दो क्या क्या खरीदा, एक मिनट रुको वही दिखाइए इन्होंने क्या क्या खरीदा। एंड बैंड खरीदे, देखें बैंड बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो वही क्या लिखा है इस पे? अच्छा एक चीज बताओ रूही, इंडिया कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। अच्छा तो आप कहाँ थे उस समय? फ्रेंड्स आज हमारी रूही जो है स्वाल आलू खा रही हैं जो बरेली में सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, बिहारीपुर में, और रूही स्वाल आलू खा रही हैं। अंकल जी के पास आए और बहुत टेस्टी होते हैं ये। अच्छे कभी नहीं खाए, पहली बार खा रहे हो ना? अच्छे जल्दी जल्दी खा लो फिर। और हमारी गुड़िया झंडे को सल्यूट कर रही है। आप हमारे ऑफिस आई, थैंक यू, वेलकम। इतना रुका रुका वेलकम, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? अच्छा बता रुई एक बार बताओ तो, चले बात सुनो घर चले। कहाँ से लोग जा रहे हैं? ये डीटीपुरम चौराहे की सिलेक्शन पॉइंट चौराहा, सिलेक्शन चौराहे की सजावट है, है ना? बढ़िया लग रही है ना? आज 15 अगस्त है और आप लोगों को शौक दिखाऊंगा अपनी छत का। फ्रेंड्स आज चीना भाई आए हुए हैं हमारे यहाँ कबूतरबाजी करने, और वो इसलिए आए हैं फ्रेंड्स क्योंकि अभी मुझे 3-4 दिन बाहर जाना है, तो चीना भाई मेरे पीछे दाना चुगाते हैं छत पे, तो उन्हीं को मैंने बोला है 4-5 दिन कबूतर वही खोलेंगे मेरे पीछे, और आज मैंने उन्हें सब बता दूंगा किस तरीके से दाना पड़ना है, और चीना भाई बाकी अपने आप देख ही लेंगे। मैंने उन्हें दाना बता दिया कितना कितना कबूतरों को पड़ना है,
बाकी आज से चीना भाई कबूतरों को देखेंगे 4-5 दिन तक, क्योंकि मैं बरेली में नहीं हूँगा, मुझे आप लोगों को शौक करा देता हूँ। मैं चीना भाई बैठे हुए हैं और कबूतरों को ये पट्टे खोले हैं फ्रेंड्स अभी, सबसे पहले इनको बढ़िया देना। चीना भाई सही है इस समय तैयार है, ये बताइए सही हो रहा है? बड़ी मेहनत लगी है इन्हें बढ़िया खिलाने, ये तो बिल्कुल बढ़िया खाना भी नहीं जानते थे, नीचे ही बैठे रहते थे। बस ये तावे खाना जल्दी शुरू हो जाए और उसके बाद इनको ताबों में ही कस के रखूँ, ताबों में ही कस के रखूँ, इन्हें लड़ाना तो अभी है ही नहीं ना, कब तक नहीं लड़ाऊँ? दिवाली बाद, होली बाद, होली बाद। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल वीडियो में कहा था, जब तक 10वीं कर तक पाक ना हो जाए तब तक कपट्टा नहीं लड़ाना चाहिए, तो वैसे ये चीना भाई का कहना भी वही है, होली बाद। होली बाद का मतलब यही हो गया कि ये सभी जब तक 10वीं पाक हो जाएंगे फ्रेंड्स, और चीना भाई जब तक इनको बढ़िया लगा रहे हैं तब तक मैं अंदर की बीट साफ़ कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को शौक कराता हूँ आगे के कबूतरों का। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे चीना भाई पट्टों पे कार्रवाई करते हुए, आज 15 अगस्त का दिन है और आज से करीब 20 तारीख तक चीना भाई देख रेख करेंगे इन कबूतरों की, और जब लौट के आऊँगा उसके बाद मैं देख रेख करूँगा, बाकी तब तक चीना भाई के हाथ में और कबूतर बिल्कुल फिट हैं एकदम। और इस समय जो खुला है तो इस समय 11 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और वैसे जो मैं खोलता हूँ वो सुबह 6 बजे खोलता हूँ इन कबूतरों को, तो थोड़ा सा फ़र्क है टाइम का। बाकी फ्रेंड्स इनको बंद करने के बाद आप लोगों को शौक कराऊंगा गिरधान कबूतरों का। फ्रेंड्स उड़ने वाले कबूतर खोल रहे हैं, मादीने बाहर आ गए, बाहर आ गए, चीना भाई धूप में बैठे हुए हैं मज़े ले रहे हैं, और ये खुलते ही सब आसमान लग गए, और ये आगरा वाला कबूतर भागने की कोशिश कर रहा है आज। ए आ आ ये असल में थोड़ा सा कोशिश करता है चीना भाई, हर बार कोशिश करता है भागने की, कटके अलग होता है कबूतर। आए इसका बस थोड़ा ध्यान रखना है दो आज का। आ ये रहा, बाकी फ्रेंड्स ये कबूतर बैठ गए, इनका दाना नाप के लाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कबूतर आज अपने आप तावे खाना शुरू कर दिया है इन्होंने, एक एक दो दो करके चालू हो चुके हैं, हाफ बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी हैं। चीना भाई कह रहे हैं अभी से कार्रवाई इन पर कर दो, तो आज दे दें फिर इन्हें पानी गिरधान वालों को। फ्रेंड्स चीना भाई कह रहे हैं पानी आज से दे दो, तो इनको फ्रेंड्स पानी दे दूंगा, क्योंकि आप लोगों को दिखाऊँ बहुत हाँप रहे हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा मुंह खोल रहे हैं, तो इन्हीं रख दूंगा बना के, आज 2 दिन देना, आज तो मैं दे दूंगा, कल का मैं कुछ व्यवस्था कर जाऊँगा जिससे आपको कल भी पानी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स आप लोग रोज़ ही शौक देख रहे हैं इन कबूतरों का, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको इनका शौक, उड़ गए फ्रेंड्स। आ ए आ देख सकते हैं फ्रेंड्स इम्प्रूवमेंट कबूतरों के अंदर, और चीना भाई जब तक इनको देखभाल कर रहा है इनकी, मैं जाता हूँ जरा पानी थोड़ा सा बना लाऊँ इनका, और इन्हें आज पानी देंगे। चुके हैं घर पे एक बार फिर से शाम को घूम फिर के, और अब उड़ाएंगे हम पतंग। पतंग उड़ाई रही? ओके सीटी भी लाई हो। अरे सबसे पहले हम निकालते हैं पतंगे, इधर से खोलो जल्दी खोलो, अब पतंग उड़ाएगी है सच्ची में, दांत तो तेरे बाहर निकल रहे। अच्छा ये वाली नहीं उड़ाएंगे आज, उड़ाएंगे इसमें एक एक पड़ी है जिसके तिरंगा है, वो वाली उड़ाएंगे, ये वाली उड़ाएंगे आज, हाँ ये उड़ाएंगे, बाकी ये बड़ी मस्त है। हाँ ये बड़ी मस्त है ये उड़ाएंगे, और फ्रेंड्स हम मंजे से नहीं उड़ाते, हम किससे उड़ाते हैं पतंग? हम उड़ाते हैं सद्दी से, हाँ, आपको पता ही नहीं है, निकालो सद्दी, ये बैग यार जल्दी से खोलो बैग, ऐसे निकालो हमारी चरखी, मंजे से हाथ कट जाते हैं इसलिए इससे उड़ाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारी तरफ फ्रेंड्स पतंग उड़ गई,
कहाँ उड़ रही है? अरे हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे दो अबे इतना शोर मत मचा, कॉलोनी वाले सब निकल आएंगे। बोले तब तेरा बाप भी नहीं चीखे जब तक। मैंने कह दिया, मैंने अपने भाई से कह दिया पतंग उड़ा दो, पतंग उड़ ले। पतंग उड़ गई, दो दो पतंग उड़ी, लेकिन हवा तो बेटा बहुत हल्की चली, पतंग उड़ेगी कैसे? चलिए फ्रेंड्स कोशिश करते हैं पतंग उड़ाने की, क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, लेकिन पतंग उड़ानी है आज। पतंगबाजी जा रही है और रूई की पतंग घुस गई, घुस गई। फ्रेंड्स हम लोग उड़ा रहे हैं पतंग, और आज 15 अगस्त पे पतंगबाजी के शौक कर रही है, कौन सा डांस है? और फ्रेंड्स हमारी पतंग उड़ रही है, पतंगे और भी उड़ रही है, बचा के रखनी पड़ेगी, वो काट ना जाए, क्योंकि सर्दी से उड़ा रहे हैं फ्रेंड्स हम सबको। फ्रेंड्स जैसे कि आज मैंने आप लोगों को अपने यहाँ का डेली ब्लॉग दिखाया, डेली ब्लॉग था ना, क्या था? आज हमने सेकंड डेली ब्लॉग, दूसरा है हम लोगों ने, छुट्टी वाले दिन हम और रोहित ब्लॉग बनाया करेंगे, और सेकंड एक बार फिर। और मैंने आप लोगों को शौक भी दिखाया है फ्रेंड्स कबूतरों का। अभी हम लोग कर रहे हैं पतंगबाजी, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कल से वीडियो बहुत मुश्किल है, हो सकता है 1% आ जाए, मैं भाई को बोल के जाऊंगा, अगर वो वीडियो बना देगा तो मैं वॉइस ओवर देके आप लोगों को वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि कल से मुझे बाहर जाना है, तो थोड़ा सा फ्रेंड्स गैप रहेगा इस बीच में। उसकी जब लौट के आऊँगा बरेली तो आप लोगों को शौक ज़रूर दिखाऊँगा। कोशिश करता हूँ संडे को आपको एक अच्छा ब्लॉग बना के दिखाऊँ। फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, साथ में मेरे चैनल एस पेट बर्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और हाँ, इंडिपेंडेंस डे को हमें फिर से भेजना।